नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई पाठशाला क्या है, किस प्रकार से कार्य करना होगा और इस संबंध में जो संपूर्ण जानकारी है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का है, तो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि COVID-19 की जो दूसरी लहर है वो चालू हो चुकी है और उस संबंध में जो स्कूल हैं तो वो लगभग बंद किए जा चुके हैं, क्योंकि संक्रमण का ख़तरा बहुत ही ज़्यादा हो गया है और इसीलिए बच्चों को घर के ऊपर शिक्षण कराने के लिए ई पाठशाला का प्रारंभ किया गया है। किस प्रकार से कार्य करना होगा ई पाठशाला में शिक्षकों को, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मेरे पास एक PDF है जो प्रेरणा मिशन उत्तर प्रदेश सरकार की है। मिशन प्रेरणा की जो ई पाठशाला है, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की जो पूरे की पूरा जो सिस्टम है इनके द्वारा जनरेट किया गया है। यहाँ प्रेरणा मिशन की ई पाठशाला है, उसमें कौन कौन से कंटेंट होंगे वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहला कंटेंट तो यहाँ मोबाइल होगा, स्मार्टफोन। दूसरा कंटेंट यहाँ होगा टेलीविज़न और तीसरा होगा रेडियो। आकाशवाणी के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से यहाँ पर यूपी सरकार शिक्षण करवाने जा रही है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले अध्यापकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से उच्च गुणवत्ता की शैक्षणिक सामग्री दी जा रही है। तो यहाँ पर आंकड़ा देख लेते हैं, 1.59 लाख विद्यालय हैं और इनमें लगभग 5.75 लाख जो अध्यापक हैं और शिक्षार्थी हैं लगभग 1.8 करोड़ और यहाँ अभिभावक भी हैं 2.5 से 3 करोड़। तो यहाँ हम देख लेते हैं ई पाठशाला की विशेषताएं। सबसे पहले जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए अलग अलग सामग्री यहाँ पर दी जाएगी। सभी विषयों के लिए जो कक्षा 1 से 8 है उनके लिए अलग सामग्री दी जाएगी। 400 से ज़्यादा घंटे की वीडियो सामग्री यहाँ उपलब्ध करवाई जाएगी। 5000 से ज़्यादा उच्च स्तर के वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे और सबसे अच्छी बात यहाँ है कि सबसे अच्छे मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ये शिक्षा दी जाएगी। अभिभावकों और बच्चों तक पहुंचाने के लिए 5 तरीके यहाँ अपनाए गए हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन में यहाँ हम 3 पॉइंट्स में बात कर लेंगे। तो टॉप पेरेंट ऐप है, उसके बाद में दीक्षा ऐप है और तीसरा है व्हाट्सएप। तो टॉप पेरेंट ऐप में 3 से 8 साल तक के बच्चों और अभिभावकों के लिए निःशुल्क मोबाइल ऐप ये जो है लॉन्च किया गया है। उसके बाद में दीक्षा ऐप है, ये हर उम्र के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम आधारित वीडियो के लिए ऐप है। यहाँ पर शिक्षार्थी पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो देख सकता है। व्हाट्सएप तो अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़कर उनकी जो ई कक्षा है वो संचालित यहाँ पर की जाएगी। दूसरा हम यहाँ देख लेते हैं टेलीविज़न के माध्यम से, तो दूरदर्शन पर क्या किया जाएगा, प्रतिदिन नियत समय पर उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो का 15 से लेकर 20-30 मिनट का जो एपिसोड है यो प्रसारित किया जाएगा। अगला है रेडियो, तो रेडियो जो है आकाशवाणी प्रतिदिन नियत समय पर उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो का 15 से 30 मिनट तक यहाँ पर सीधा प्रसारण या नहीं होगा, रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, ऑडियो होंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं अभिभावकों के लिए टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप की। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों को सीखने और समझाने की जो शक्तियाँ हैं उनको बढ़ाने के लिए टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसमें निःशुल्क मोबाइल ऐप है जो कि 3 से लेकर 8 साल तक के
बच्चों के लिए उपयोगी रहेगा। भाषा के तरीकों और अलग अलग संसाधनों के जरिए बच्चे इसमें सीख सकेंगे। इस एप्लीकेशन में उच्च गुणवत्ता के 3 एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप होंगे। टॉप पेरेंट ऐप जो है उसमें 3 कौन कौन से ऐप होंगी वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो होगा गूगल बोलो, गूगल बोलो ऐप होगा। दूसरा होगा चिंपल और तीसरा होगा मैथ मस्ती। तो 3 प्रकार के ऐप यहाँ टॉप पेरेंट ऐप के ऊपर आपको मिलेंगे। यहाँ पर गूगल बोलो, तो बोलो एक ऐसे ट्यूटर के तौर पर डिज़ाइन किया गया है जो प्राथमिक स्कूल के बच्चों को इंग्लिश और हिंदी पढ़ने के कौशल विकसित करने के लिए मददगार साबित होगा। ये है गूगल बोलो ऐप। उसके बाद में है चिंपल ऐप। तो चिंपल में खेल, पहेली, कहानी जैसे 80 प्रकार के संवादमूलक अध्याय हैं जो कि बच्चों को खेल खेल में लिखना और पढ़ना सिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। उसके बाद में मैथ मस्ती। मैथ मस्ती में यहाँ मुख्य रूप से 3 से लेकर 8 साल के बच्चों में बुनियादी गणित के ज्ञान को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के रोचक तरीकों का यहाँ उपयोग किया जाएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दीक्षा मोबाइल ऐप की। तो दीक्षा मोबाइल ऐप का जो यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 5000 से ज़्यादा वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। सभी वीडियो पाठ्य पुस्तक से मैप किए जाएंगे, मतलब पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड होंगे, पाठ्य पुस्तक उसमें दिखाई जाएगी। सभी कक्षाएं विषय की सामग्री आप यहां से ले सकते हैं और पाठ्य पुस्तक में छपे QR कोड के जरिए भी यहां तक आप पहुंच सकते हैं। QR कोड किस प्रकार से स्कैन किया जाता है? तो QR कोड जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया होता है, हमको प्ले स्टोर से एक QR स्कैनर डाउनलोड करना पड़ता है और वहाँ से स्कैन करके हम डायरेक्ट उस साइट तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं देश भर में सर्वश्रेष्ठ वीडियो आधारित शैक्षणिक सामग्री को दीक्षा मोबाइल ऐप पर उपलब्ध किया गया है। कौन कौन सी है सामग्री? टिक लर्न, दूसरा है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन और तीसरा है खान अकेडमी। यहाँ पर टिक लर्न में 1 से लेकर 8 तक के जो गणित हैं और 3 से लेकर 8 तक के सामाजिक विज्ञान के 4 से 5 मिनट के 10,000 से ज़्यादा एनिमेटेड उच्च गुणवत्ता वाले NCERT जो पाठ्यक्रम है उसके ऊपर आधारित वीडियोज यहाँ उपलब्ध रहेंगे। उसके बाद में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, तो इसमें अग्रणी भारतीय गैर सरकारी शैक्षिक संगठन जिसके पास बुनियादी शिक्षा और गणित से संबंधित बहुत अच्छे वीडियो संग्रहित हैं, ये आपको 500 से ज़्यादा दीक्षा ऐप पर मिल सकते हैं। खान अकेडमी की बात कर लें तो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए करीब 1000 से ज़्यादा वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है। उसके बाद में व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। तो व्हाट्सएप में सभी विद्यालयों में अध्यापक विद्यार्थियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भी जुड़ेंगे, वहाँ पर मटेरियल भेजेंगे। तो विभाग द्वारा प्रतिदिन हर कक्षा के लिए हर विषय दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर कक्षा के लिए निर्धारित समय किया जाएगा, मतलब निर्धारित समय पर वीडियो भेजे जाएंगे। विद्यार्थियों को प्रैक्टिस के लिए एक असाइनमेंट दिया जाएगा। उसके बाद में अभिभावकों के साथ अध्यापकों का नियमित संपर्क रखा जाएगा। 15 अप्रैल तक जो 80% विद्यालयों में व्हाट्सएप ग्रुप बढ़ाने का यहाँ लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद में व्हाट्सएप पर कक्षाओं की शुरुआत की कुछ झलकियाँ यहाँ आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हम व्हाट्सएप पर शिक्षण करवाने की प्रयास करेंगे। उसके बाद में दूसरी झलकियाँ यहाँ देखिए, होमवर्क की बात है तो किस प्रकार से शिक्षक होमवर्क चेक करेगा, जिससे कि बच्चे को पूरा फीडबैक मिल सके। यहाँ पर देखिए बालक बालिका की कॉपी दिखाई गई है और उस कॉपी में शिक्षक के द्वारा मार्किंग की गई है।
और वो वापस बालक के पास भेजी जाएगी। तो व्हाट्सएप पर प्रैक्टिस के लिए कुछ दिया गया असाइनमेंट और मूल्यांकन करके वापस भेज दिया जाएगा। तो ये कुछ असाइनमेंट है जिनका मूल्यांकन करके वापस भेज जाएंगे बच्चों के लिए, जिससे बच्चे इनको देख सकें। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों तक सीधे पहुंचने के लिए दूरदर्शन पर कुछ वीडियो दिखाए जाएंगे। तो वो कैसे होंगे, प्रतिदिन 30 मिनट के कार्यक्रम के साथ 15 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। प्रत्येक एपिसोड के जरिए 1 से 2 लर्निंग आउटकम पर फोकस किया जाएगा। सबसे ज़्यादा फोकस गणित और सामाजिक ज्ञान के विषयों पर किया जाएगा। उसके बाद में बच्चों तक सीधे पहुंचने के लिए यहाँ पर आकाशवाणी का भी प्रयोग किया जाएगा। तो आकाशवाणी में प्रतिदिन 30 मिनट का एक स्लॉट AIR पर उपलब्ध रहेगा। अंग्रेजी बोलना सीखने पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा यहाँ पर, और सामाजिक ज्ञान से संबंधित ऑडियो सामग्री भी यहाँ उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यहाँ ई पाठशाला में 5 तरीकों को जन जन तक पहुँचाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाएंगे, जैसे व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के 1000 से ज़्यादा जो केंद्रीयकृत तरीके हैं उनसे ग्रुप बनाए जाएंगे। फेसबुक है, ट्विटर है, इससे भी, उसके बाद में मीडिया से भी, IVR जो विभाग के कॉल सेंटर है, यहाँ तक सभी शिक्षकों की यहाँ पहुँच मददगार बनाई जाएगी। मिशन प्रेरणा की जो ई पाठशाला है, देश में बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं का यहाँ योगदान रहा है, तो वो संस्थाएं ये दिखा रखी है। ई पाठशाला की सफलता को जांचने के लिए अन्य तरीके भी हैं जो यहाँ आप देख सकते हो। अध्यापकों के कौशल और विकास के लिए दीक्षा पर उपलब्ध टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट का उपयोग यहाँ हम कर पाएंगे, जो कि शिक्षकों को बेहतर एप्टीट्यूड बनाने में सहायता करेगा। तो साथियों, ये था मिशन प्रेरणा जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसका अभियान। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।